चिकित्सा की हमारे अपने भारत देश की जो अवधारणा है और हमारे देश में चिकित्सा से पहले का जो स्वस्थ जीवन है, उस संदर्भ में कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपसे करता हूं और साथ में दूसरे देशों में जो चिकित्सा की अवधारणा है और दूसरे देशों में जो स्वस्थ जीवन का संकल्प है, कल्पना है, उस पर भी थोड़ी बात करूंगा। साथ में थोड़ा सा तुलना अगर हम कर सकें, कंपेरिजन कर सकें तो थोड़ा बेहतर समझ में आए, इस दृष्टि से कुछ बात करूंगा। भारत देश जिसमें ये प्राकृतिक चिकित्सा या आयुर्वेद द्वारा हमें दी गई जीवन शैली, ये सच में बहुत अद्भुत है। ये बात मैं तब कह रहा हूं जब दूसरे कई देशों में मैं जा चुका हूं और वहां से उत्पन्न एलोपैथी पर भी काफी अभ्यास कर चुका हूं। पिछले 10-12 वर्षों के मेरे अपने सार्वजनिक जीवन में मैंने यूरोप के कई देशों का प्रवास किया और वहां मैंने ये देखा कि जो चिकित्सा पद्धति उनकी है वो शायद उनकी मजबूरी की देन है। उनकी कुछ मजबूरियां हैं, उनकी कुछ सीमाएं हैं, वो सीमा और मजबूरी शायद उनको यही दे सकती थी, इससे ज्यादा कुछ संभव नहीं। तो वैसा कुछ उनके यहां है। भारत की जो चिकित्सा पद्धति है और जो जीवन शैली है ये किसी मजबूरी की देन नहीं है, ये हमने स्वयं से काफी कुछ सीख कर, परंपरा से सातत्य से बहुत कुछ सीख कर, बहुत सोच विचार कर, उसके सभी पक्ष समझ कर तय की है। यूरोप में ऐसा नहीं हो सका और उसका कारण क्या है, 2-3 छोटी बातें हैं जो तुरंत ध्यान में आती है। जैसे ही हम भारत से यूरोप जाते हैं तो सबसे पहले ध्यान में आता है कि हमारा जो मौसम है, हमारी जो जलवायु है, वो हमसे बहुत भिन्न है। यूरोप के किसी भी देश में आप चले जाइए, साल में 8 महीने सूर्य नहीं निकलता, साल में 8 महीने सूर्य नहीं निकलता, जरा कल्पना करिए कि कितनी गंभीर बात है। हमारे भारत देश में साल में कुछ 10-12 दिन ऐसे होते हैं जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, ठंड ज्यादा बढ़ जाती है तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास की जिंदगी रुक जाती है। आप कई बार अखबार पढ़ते होंगे तो आपको ये सुनने में मिलता होगा कि आज सभी फ्लाइट कैंसिल हो गई क्योंकि धुंध बहुत है, धुआं बहुत है, कोहरा बहुत है, तो दिल्ली के हवाई अड्डे से कोई हवाई जहाज उड़ नहीं सकता और दिल्ली के हवाई अड्डे पर कोई जहाज उतर भी नहीं सकता। फिर कभी खबर आती है कि गाड़ियां 12 घंटे लेट चल रही हैं, 15 घंटे लेट चल रही हैं, क्योंकि दिल्ली से आने वाली सभी गाड़ियों के सामने इतना धुंध और कोहरा है कि 1 मीटर दूर का उनको दिखाई नहीं दे रहा है। फिर कभी कभी खबर आती है कि दिल्ली के सभी विद्यालयों की छुट्टी कर दी गई है, 5 दिन तक स्कूल नहीं खुलेंगे, कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, क्योंकि बच्चों को सड़क पर चलने में दिखाई नहीं दे रहा है, कोहरा इतना ज्यादा हो गया। हम देखते हैं कि ये 10-12 दिन का समय आता है और सारे देश में उथल पुथल मच जाती है। बहुत सारे हवाई यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पड़ते हैं, बहुत सारे हवाई जहाज रीशेड्यूल हो जाते हैं, ट्रेनें 10-10, 12-12 घंटे लेट होने के कारण कैंसिल कर दी जाती है, बसों से चलना मुश्किल हो जाता है, लोग घरों में दुबक कर बैठ जाते हैं दिल्ली में, या तो हीटर के सामने बैठे होते हैं या लकड़ी जलाकर बैठे होते हैं। ये मात्र 10-15 दिन भारत में ऐसा आता है तो पूरे देश में इसका हंगामा सा हो जाता है। आप जरा कल्पना करिए कि जिन देशों में ये लगातार 8 महीने चलता होगा उनका क्या हाल होता होगा। लगातार 8 महीने, ऐसे यूरोप के कई देश हैं, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, बेल्जियम है, फिनलैंड में चले जाइए तो 10 महीने सूरज नहीं निकलता, मात्र 2 महीने होते हैं जो सूरज का हल्का सा प्रकाश दिखता है, पूरा सूर्य तो उनको साल में 10-12 दिन भी नहीं दिखाई देता। तो इन देशों की जरा हम कल्पना करें कि इनका जीवन कितना कष्टमय होता होगा। और जब तापमान उनके यहाँ नीचे गिरना शुरू होता है तो वो अंतिम सीमा तक चला जाता है, -40°C, -30, -35, -40, -45। अभी थोड़े दिन पहले फिनलैंड का टेम्परेचर -47 पहुंच गया। आप सभी जानते हैं
शून्य डिग्री पर बर्फ जम जाती है। 4 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में बर्फ जमना शुरू हो जाती है। अब 0 से 40 डिग्री नीचे तापमान चला जाए, 45 डिग्री चला जाए, जरा सोचिए कि कैसी तकलीफ की जिंदगी होगी। मैं आपके ध्यान में जो बात लाना चाहता हूं वो ये कि ये यूरोप के सभी देश बहुत गरीब हैं सूर्य के प्रकाश के, ये माने उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, महीनों महीनों नहीं मिलता, या तो धुंध रहती है या तो भयंकर बर्फ गिरती है। यूरोप के देशों में एक मजाक कही करी जाती है और वो सही है कि हमारे यहाँ तो 2 ही मौसम होते हैं, ठंड होती है या भयंकर ठंड होती है, तीसरा कोई मौसम नहीं है उनके पास, या तो ठंड है या तो भयंकर ठंड है। यूरोप का ही एक्सटेंशन है अमेरिका और यूरोप का ही एक्सटेंशन है कनाडा, कनाडा का मौसम भी ऐसा ही है, लगभग अमेरिका का मौसम भी उसी के जैसा है। तो ऐसा मौसम जहां भयंकर ठंडी पड़ती हो, सूर्य नहीं निकलता हो, सालों साल सूर्य के दर्शन ना हो पाते हो, और ये 1-2 साल से नहीं सैकड़ों साल से चल रहा हो, हजारों साल से चल रहा हो, तो उनकी जो जीवन शैली होगी वो उसी के जैसी बनानी पड़ेगी। जैसी प्रकृति है वैसी जीवन शैली होगी। उनकी प्रकृति है कि बहुत ठंड है और भयंकर ठंड है, तो उसी में उनको जिंदा रहना है। तो अपने को जिंदा रखने के लिए वो जो कुछ भी करेंगे वो सब कुछ उनके लिए साइंटिफिक होगा, क्या हो सकता है। अगर हम हिंदुस्तानी उनकी नकल करना शुरू कर दें, जहां साल में हर दिन सूरज निकलता है, 12 महीने निकलता है, एवरी डे इज संडे, सोचिए ना, एवरी डे इज संडे, संडे का मतलब छुट्टी का दिन नहीं, संडे का मतलब सूर्य का दिन। तो भारत में एवरी डे इज संडे, एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग से मतलब जिस दिन सूर्य का दर्शन हो जाए वो मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, एवरी नाइट इज गुड नाइट, एवरी आफ्टरनून इज गुड आफ्टरनून, एवरी नून इज गुड नून। इस देश में अद्भुत है, ये सबसे बड़ा अंतर मुझे दिखाई देता है यूरोप में भारत में। और जब मैं यूरोप कहूंगा तो आप ये ध्यान रखना कि उसमें अमेरिका कनाडा भी शामिल है। तो यूरोप में और भारत में सबसे बड़ा अंतर है सूर्य के प्रकाश का। हमें सूर्य का प्रकाश हजारों साल से, लाखों साल से, शायद करोड़ों साल से मिल रहा है, या हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है कि जब से पृथ्वी है तब से सूर्य है, और कई शास्त्रों में ये कहा गया है कि सूर्य के कारण ही सब कुछ है, पृथ्वी भी है, चंद्र भी है, बृहस्पति भी है, शनि भी है, मंगल भी है, और ये सब एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, संतुलित किए हुए हैं, उसका मुख्य कारण सूर्य है। हमारे शास्त्र ये बात बहुत अच्छे तरीके से हमको समझाते कि अगर सूर्य नहीं होता तो कुछ नहीं होता, और अगर सूर्य है तो सब कुछ है। आप जानते हैं कि मिट्टी में हम दाना डाल देते हैं, उस दाने में से अंकुरण होता है, वो सूर्य की कृपा है। अच्छे से अच्छा बीज आप मिट्टी में डाल दीजिए, अच्छे से अच्छी खाद उसमें मिला दीजिए, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो बीज में से कुछ भी अंकुरण नहीं होगा। हम जानते हैं कि अंकुरण होकर कोई पौधा जब बड़ा होता है तो वो सूर्य के प्रकाश से ही भोजन लेता है। ये विज्ञान तो हम सबको बचपन में पढ़ाया जाता है कि पौधों के पत्तों में क्लोरोफिल होता है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, उस भोजन में से कुछ अपने लिए रखते हैं, बाकी दुनिया को दे देते हैं। जो दुनिया को वो दे देते हैं वो ऑक्सीजन है, प्राणवायु है, जो अपने लिए रख लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन ये होता सब सूर्य के प्रकाश में ही है। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो पौधे भी काम नहीं कर सकते। तो बीज डालना, बीज का अंकुरण होना, अंकुरण में से पौधा बनना, पौधे में से फल बनना, ये भी सूर्य के प्रकाश का ही कमाल है। हम जानते हैं कभी भी फसल अच्छी आ रही है, और अच्छी फसल का मतलब उसमें दाने पड़ रहे हैं, मान लो गेहूं की फसल है और अच्छे दाने पड़ रहे हैं, अचानक से 10-15 दिन सूर्य ना निकले तो पूरी फसल चौपट हो जाती है, ये आप सब जानते हैं। बाजरे की फसल है, मक्के की फसल है, तैयार हो गई है, दाना पड़ना शुरू हुआ है, जो 7-8 दिन सूर्य चला जाए छुट्टी पर तो फिर सब सत्यानाश हो जाए।
किसान मर जाते हैं, सरकार भी परेशान है। तो सूर्य का हमारे जीवन में इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो जहां सूर्य प्रकाश होगा तो वहां के लोगों की जिंदगी धन धान्य से भरपूर होगी, क्योंकि प्रकृति ने सब कुछ वहां दिया होगा। जमीन में कुछ भी डालेंगे तो कई गुना होकर निकलेगा। हम एक दाना डालेंगे, 100 दाने आएंगे, 100 डालेंगे, 1000 आएंगे, 1000 डालेंगे, 1,000,000 आएंगे। ये प्रकृति हमको जरूरत से ज्यादा देगी, क्योंकि हमारे पास सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में होगा। हमारे जंगलों में चले जाए, हजारों हजारों किस्म के पेड़ पौधे जो दिखाई देते हैं वो भी सूर्य के प्रकाश का ही कमाल है। जो जंगलों को सूर्य का प्रकाश न मिले तो वेराइटीज नहीं आ सकती, स्पेशीज डेवलप नहीं हो सकती, विविध जाति के पेड़ पौधे हमको नहीं मिल सकते। जंगलों के इतने अच्छे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, फल वृक्ष आदि सब कुछ सूर्य के कारण है। आप फिर आगे बढ़े, समुद्र के पानी का वाष्प बनना, वाष्प बनकर बादल में बदलना, बादल से फिर पानी में बरसना, ये भी सूर्य का ही प्रताप है। जो सूर्य छुट्टी पर चला जाए तो बारिश समय पर नहीं होगी, बारिश होने के लिए जो मूल क्रिया है वो भी समय से पूरी नहीं होगी। प्रकृति में हवा चलती है तो हम मानते हैं कि तापमान का अंतर है, उस अंतर को काटने के लिए हवा चलती है। तो तापमान का अंतर कहाँ से आया? वो सूर्य के प्रकाश से आया। तो हवा का चलना, बारिश का होना, गर्मी का पड़ना, ठंड का आना, बसंत का चला जाना या बसंत का आना किसी का, ये ऋतुओं का चक्र और ये फसल का चक्र, ये जो कुछ भी है ये सब सूर्य के प्रताप से है। तो मुझे अपने भारत देश के बारे में अब ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि मैं एक ऐसे देश का नागरिक हूं जहां पर सूर्य की भरपूर कृपा है। और शायद यही कृपा है जो भारत जैसी भूमि पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, लेकिन भारत भूमि पर और भी दुर्लभ है। तो भारत भूमि पर देवता भी आते हैं तो मनुष्य रूप में आते हैं, क्योंकि उनको भी ये सब जो अहोभाव है ये सूर्य के ही कारण है। तो ये धरती दुनिया में अद्भुत है जिसको हम भारत कहते हैं, और यहाँ अद्भुत होने का एक ही सबसे बड़ा आधार है, सूर्य का प्रकाश। और यहाँ जो कि सूर्य का प्रकाश नियमित है, सतत है, हजारों लाखों करोड़ों साल से है, अगले हजारों लाखों करोड़ों साल तक रहेगा, इसलिए हम निश्चिंत हैं कि भारत बहुत अच्छा है। और ये सूर्य के प्रकाश के कारण इस देश में 16 ऋतुएं हैं। दुनिया में किसी भी देश में 2 से ज्यादा ऋतुएं नहीं है। मैंने आपको कहा ना, यूरोप में ठंड और भयंकर ठंड, अफ्रीका में गर्मी और भयंकर गर्मी, ब्राजील और इधर चले जाइए मैक्सिको की तरफ तो बारिश और भयंकर बारिश। ब्राजील और मैक्सिको में साल में 8 महीने बारिश होती रहती है। टॉरेंशियल रेन, इतनी बारिश होती है कि 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन, 20-20, 25-25 दिन लगातार बारिश रहती है साल में 8 महीने बारिश। और जो 4 महीने बचते हैं उसमें बारिश की भयंकर नमी, तो वो कहते हैं हमारे पास 2 मौसम है, बारिश और भयंकर बारिश। अफ्रीका में जाइए तो 2 मौसम है, गर्मी और भयंकर गर्मी। यूरोप में चले जाइए तो ठंड और भयंकर ठंड। ये भारत अद्भुत देश है जहां 16 तरह के मौसम है। तकनीकी भाषा में इसको कहते हैं कि भारत दुनिया में यूनिक देश है, अनोखा देश है, जहां 16 क्लाइमेटिक जोन्स है। क्लाइमेटिक जोन्स के नाम से जाना जाता है ऋतुओं को दुनिया में। और ये क्लाइमेटिक जोन कहते हैं, अगर आपको स्विट्जरलैंड का क्लाइमेटिक जोन भारत में देखना हो तो संभव है जम्मू कश्मीर चले जाइए, हिमाचल में आ जाइए, उत्तरांचल चले जाइए, आपको स्विट्जरलैंड का क्लाइमेटिक जोन यहाँ मिल जाएगा। अगर आपको ब्राजील और मैक्सिको का क्लाइमेटिक जोन देखने हो तो भारत में आ जाइए, चेरापुंजी चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, आसाम में आ जाइए, कर्नाटक में आ जाइए। कर्नाटक में एक स्पेशल एरिया है जिसको बल्लार एरिया कहते हैं, वहां आपको ब्राजील और मैक्सिको का क्लाइमेटिक जोन दिखाई देगा। अगर इसको अफ्रीका देखना है किसी को भारत में, अफ्रीका जैसी गर्मी और भयंकर गर्मी देखनी है और अफ्रीका का मरुस्थल सहारा वाला क्लाइमेटिक जोन देखने हैं तो राजस्थान आ जाइए, जैसलमेर चले जाइए, बीकानेर चले जाइए, जोधपुर आ जाइए, बाड़मेर आ जाइए, आपको सहारा रेगिस्तान दिखाई दे जाएगा।
अगर आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दलदली इलाका देखना है, कीचड़ वाला इलाका, आप जानते न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बहुत मिट्टी ऐसी है जो कीचड़ वाली, तो वो भारत में मिल जाएगा। बिहार में आ जाइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ जाइए, बहुत दलदली इलाका आपको मिल जाएगा। दुनिया की किसी भी देश का मौसम अगर देखना चाहें तो इस भारत में संभव है। इसलिए दुनिया के सारे जानकार पर्यटक भारत भागने के लिए परेशान रहते हैं। जब भी उनको छुट्टी मिलती है उनके काम से और थोड़ा पैसा हो जाता है तो वो घूमने के लिए सबसे पहले भारत में ही आते हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अगर भारत में अकेला एक राज्य हमें घूमना हो कि एक ही राज्य में दुनिया की सब जलवायु देखनी है तो भी संभव, और वो राजस्थान में है। एक अकेले राजस्थान में दुनिया के 16 क्लाइमेटिक जोन से एक साथ उपस्थित हैं। तो लोग ज्यादातर विदेशों से भागकर जब आते हैं ना भारत में, तो सबसे पहले राजस्थान जाते हैं। ये राजस्थान जाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। राजस्थान जाने के पीछे ये बड़ा कारण नहीं है कि वहां किले बहुत हैं। राजस्थान जाने के पीछे कारण है कि एक साथ एक ही राज्य में 16 क्लाइमेटिक जोन तुम्हें मिल जाते हैं जो पूरी दुनिया का भ्रमण करने से भी नहीं मिलेंगे, इसलिए वो सब राजस्थान आते हैं। और राजस्थान में से समय बच जाए तो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। और कभी आपने देखा है हमारे देश के लोग थोड़े नाराज होते हैं विदेशियों पर, ये जो भारत में आते हैं तो सब कपड़े उतारे नंग धड़ंगे पड़े रहते हैं, वो उनकी मजबूरी है बेचारे, कपड़े उतार कर नंग धड़ंग ना पड़े रहे तो वो मर जाएंगे। क्यों? सूर्य की धूप चाहिए, जो उनको महीनों महीनों नसीब नहीं होती उनके देश में। इंग्लैंड में नहीं, फ्रांस में नहीं, जर्मनी में नहीं, स्वीडन में नहीं, स्विट्जरलैंड में नहीं, नॉर्वे में नहीं, डेनमार्क, कोई देश में नहीं। तो वहां से जब वो भागकर भारत आते हैं और सूर्य को देखते हैं तो पागलों की तरह से कपड़े उतार कर नंगे होकर कहीं कहीं पड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें सूर्य का प्रकाश चाहिए। हम सब जानते हैं उसी से शरीर भी चलता है, जो सूर्य का प्रकाश ना हो तो शरीर का चलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए वो भारत आके नंगे घूमते रहते हैं, क्योंकि हर समय उनको मुफ्त में सूर्य का प्रकाश मिलता है। और भारत सरकार ने आज तक सूर्य प्रकाश पर टैक्स नहीं लगाया, पॉकेट में दे रहे हैं उनको। जो इस पर हम टैक्स लगा रहे हैं तो इस देश का विदेशी कर्ज चुक जाएगा, इतनी इनकम हमें हो सकती है। मुफ्त में हमने किसी के लिए भी छूट दे रखी जो उनके यहां नसीब भी नहीं होता है। तो भारत एक ऐसा देश है। अब यहाँ पर 16 क्लाइमेटिक जोन हैं एक साथ, तो हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो अपनी जीवन शैली है, हमारा जो रहन सहन है, खान पान है, वो उसी के हिसाब से बनेगा जैसा हमारा वातावरण और पर्यावरण है। यूरोप में दो ही तरह के मौसम है, मैंने आपसे कहा, या तो ठंड और भयंकर ठंड, तो उनकी जो जीवन शैली होगी, उनका जो रहन सहन होगा, उनका जो खान पान होगा, वो उसी हिसाब से बनेगा जैसा उनका वातावरण। और जो खान पान रहन सहन वातावरण से तय होगा, तो चिकित्सा की पद्धतियां भी वातावरण से ही तय होंगी। अगर उनका वातावरण ठंड और भयंकर ठंड वाला है तो उनको ऐसी ही कोई चिकित्सा पद्धति चाहिए जो उस वातावरण में उनको मदद करे, सूट करे। और हमारे यहाँ जो कि 16 क्लाइमेटिक जोन से 16 जलवायु क्षेत्र है, तो हमारी चिकित्सा पद्धति कुछ ऐसी होगी जो हमको सूट करे। तो सभी देशों की चिकित्सा पद्धतियां या जीवन शैलियां या खान पान के तरीके या रहन सहन के तरीके या आचरण के तरीके भिन्न होंगे, क्योंकि उनका मौसम और जलवायु बिल्कुल भिन्न है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जिन देशों में ठंड और भयंकर ठंड होगी वहां का क्या पैदा होगा जमीन में, जिसको वो खा सके। मैं पहली बार जब जर्मनी गया तो फ्रैंकफर्ट शहर में एक प्रोफेसर के साथ मेरा संवाद हुआ। उन्होंने मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाया था, तो मैं गया था। तो मैंने उनसे पूछना शुरू किया, क्योंकि मैंने पहली बार जर्मनी देखा था, तो मैंने कहा आपके जर्मनी में क्या होता है। उनका क्या होता है पूछिए। तो मैंने पूछा ठंडा होता है, नहीं होता। केला होता है, नहीं होता। आम होता है, नहीं होता। संतरा होता है, नहीं होता। फिर ऐसे ऐसे मैं पूछना चला गया तो वो प्रोफेसर परेशान हो गया। उसने कहा आप ज्यादा मत पूछो, एक वाक्य में मैं बता देता हूँ, दुनिया में जो भी मीठी चीज है वो जर्मनी में नहीं होती। कहानी खत्म। समझिए कितने गरीब लोग हैं, जरा इनकी गरीबी देखिए।
जितनी भी मीठी चीज है दुनिया में वो कोई भी जर्मनी में नहीं होती। केला नहीं होता, संतरा नहीं होता, मौसमी नहीं होती, अंगूर नहीं होता, लीची नहीं होती, पपीता नहीं होता, आम नहीं होता, गन्ना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, मीठी कोई चीज नहीं होती। चलो मैंने कहा अच्छा इस चैप्टर को अब हम क्लोज करते हैं, दूसरा शुरू करते हैं। मैंने पूछा आपके यहाँ पालक होता? नहीं होता। मैथी होती है? नहीं होती। पत्ता गोभी होता? नहीं होता। फिर वो फिर बौखला गया। फिर उसने कहा राजीव भाई जी आगे मत पूछो, जितने भी हरे पत्ते की चीजें हैं वो हमारे देश में नहीं होती। मैंने कहा भाई फिर होता क्या है तुम्हारे पास? तो उसने कहा दो ही चीजें होती हैं, एक तो आलू होता है और एक प्याज होती है। बात तो हंसी की है लेकिन बहुत गहरी है। जिस देश में सिर्फ आलू और प्याज होगा वो देश कितना गरीब होगा सोचे। उनको ले लेके खाने के लिए दो ही चीजें हैं, या तो आलू खाओ या प्याज खाओ, या तो प्याज खाओ या तो आलू खाओ, आलू में प्याज मिला के खाओ या प्याज में आलू मिला के खाओ, और क्या विकल्प है उनके पास? एक ही विकल्प है कि दुनिया के कुछ देशों को वो इन्फ्लुएंस करें, इम्प्रेस करें और उनसे कुछ खरीदे। भारत उनको आम दे रहे, अफ्रीका से पपीता मिल जाए, या कहीं से ब्राजील से गन्ना मिल जाए, या कहीं से कुछ, कहीं से कुछ ऐसी कुछ चीजें मिल जाए, यही तो संभव है। अपने आप उनके यहाँ कुछ नहीं होगा। और ये जो जर्मनी की कहानी है ये यूरोप के 23 देशों की कहानी है। आप जर्मनी छोड़ गई मार्च चले जाइए, उनसे पूछे तुम्हारे यहाँ क्या होता तो वो यही कहेंगे आलू होता आपके आगे। डेनमार्क से थोड़ा आगे फिनलैंड चले जाइए, उनसे पूछे तो हो जाएंगे हमारे पास सिर्फ आलू होता है सिर्फ प्याज होती। तो 23 देश यूरोप में ऐसे हैं जिनके पास आलू और प्याज के अलावा कुछ होता नहीं है। तो उनकी अगर कोई खान पान की शैली बनेगी तो आलू प्याज आधारित ही तो होगी। अगर हम उनकी डिशेज हैं उनकी सूची बनाएंगे तो हर डिश में या तो आलू आएगा तो प्याज आएगी, तीसरे कौन सी चीज आने वाली? आलू प्याज के ही कॉम्बिनेशन परमोटेशन है जो करते रहेंगे अपनी पूरी जिंदगी भर हजारों साल लाखों साल। तो उनके यहाँ क्योंकि कुछ होगा नहीं जमीन में तो फिर समस्या तो यही है कि खान पान में तो वही दो तीन चीजें होंगी। फिर जर्मनी वालों को पूछो कि यार ये ब्रेड कहाँ से ले आते हो? फिर तो आलू और प्याज ही होता है, गेहूं तो होता नहीं तुम्हारे यहाँ। तो कहते आजकल कुछ एरिया में थोड़ा गेहूं होने लगा है, तो गेहूं से क्या बनाते हैं? ब्रेड बनाते हैं, पाव रोटी बनाते हैं, डबल रोटी बनाते हैं। तो रोटी क्यों नहीं बना लेते? ब्रेड बनाना, पाव रोटी बनाना उसी चीज से होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं। गेहूं का आटा है उसी से ब्रेड बनती है, उसी से डबल रोटी बनती है, उसी से बिस्किट बनता है और उसी से अपने घर में रोटी बनती है। रॉ मटेरियल तो एक ही है। तो मैंने उनसे पूछा तुम रोटी क्यों नहीं बना लेते? तो कहते आती नहीं है रोटी बनाने, कैसे बनती है? तो मैंने कहा गेहूं का आटा होता है उसमें पानी मिलाओ। तो मैं जिस प्रोफेसर से बात करता था उसके घर में रहता था, एक दिन उसको गेहूं का आटा और पानी मिला के गूंद के रोटी बना के मैंने खिलाया। उस दूसरे दिन उसने ट्राई किया तो उसने आलू को आटे में पानी इतना मिला दिया कि वो घोल बन गया। फिर 15 दिन वो ट्राई करता रहा, उससे नहीं हुआ। फिर उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा जिसको सुनकर आप सब हंसेंगे, लेकिन इसमें हंसने से ज्यादा सोचने की बात है। उसने कहा यार तुम्हारे देश में ये रोटी बनाने की कितनी फैक्ट्रियां हैं? तो मैंने कहा हमारे देश में रोटी बनाने की फैक्ट्री नहीं है तो फिर कैसे बनाते? तो मैंने कहा वो तो घर घर में बनती है। तो घर घर में कौन बनाता है? मैंने कहा हमारे देश की माताएं और बहनें जानती है। तो कहने का अच्छा बिना मशीन के? फिर वो आश्चर्य क्या करता था, मैं जब गया था तो मेरे साथ खाकरा ले गया था। खाकरा आप समझते हैं गुजराती डिश है। तो मैं जब भी विदेश जाता हूँ तो खाकरा लेके जाता हूँ क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ, उनके किसी होटल में खाता नहीं। और खाकरा एक ऐसी चीज है जो महीने भर आराम से चल सकती है, खराब होती नहीं। तो मैं खाकरा बना के ले गया, मैंने उसको खाकरा खिलाया तो तुरंत उसने पूछा कि भारत में खाकरा बनाने की इंडस्ट्री कितने हजार करोड़ की है? मैंने कहा ये घर घर में चलती है। फिर उसने कहा इतना गोल खाकरा कैसे बनता है? मैंने कहा बिना मशीन से हाथ से बनता है। तो बोलता इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, हाईली इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा आ जाओ एक दिन देख लो मेरे देश में। तो एक दिन वो अपने भरोसे को कन्फर्म करने के लिए भारत आया। मैंने उसको कुछ गुजराती परिवारों में रहने के लिए 10-12 दिन रखा। वो देख के पागल हो गया। यहाँ से जब गया तो कहने लगा अगली बार मैं ईसा मसीह से प्रार्थना करूंगा मेरा जन्म भारत में हो।
आपको सुनकर ताज्जुब होगा, यूरोप की कुल पॉपुलेशन 28 करोड़ है, उसमें 12 करोड़ महिलाएं हैं, किसी भी महिला को रोटी बनानी नहीं आती, कोई महिला वहां से रोटी बनाना नहीं जानती। और भारत में 110 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 50 करोड़ माताएं हैं, एक भी माँ ऐसी नहीं है इस देश में जिसको रोटी बनाना नहीं आता। इस सच्चाई के साथ कि हिंदुस्तान में रोटी बनाने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं चलती, कोई डिग्री कॉलेज नहीं चलता, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, माताओं से बेटियों को, बेटियों से फिर उनकी बेटियों को, बेटियों से फिर उनकी बेटियों को, परंपरा के साथ ये ज्ञान हजारों साल से चलता आया है। और रोटी भी इस देश में पता है 153 तरह की बनती है। गुजरात की रोटियां 13-14 तरह की रोटियां अकेले गुजरात में, महाराष्ट्र की रोटी, पंजाब की, हरियाणा की, किसी भी राज्य में चले जाइए रोटी की अलग अलग तरीके, अलग अलग डिशेज और अलग अलग उनके टेस्ट, अलग अलग उनके स्वाद। ये कैसे संभव है अपने इस देश में और वहां क्यों नहीं संभव है? उसका कारण है वातावरण, प्रकृति और पर्यावरण। हमारे दुनिया के वैज्ञानिक जो मानते हैं कि फंक्शनल नॉलेज जिस समाज में ज्यादा होती है उन्हीं समाजों में ये सब संभव होता है। फंक्शनल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान जिस समाज में ऊंचा होता है उसी समाज में गेहूं से आप 150 किस्म की रोटियां बना सकते हैं। और जहां फंक्शनल नॉलेज बहुत कम होती है उस समाज में आप गेहूं से ले जाके पाव रोटी बनाते ही खा सकते हैं, इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते। इस भारत देश में फंक्शनल नॉलेज बहुत है और शायद वो हमारे अपने दिमाग और शरीर का और प्रकृति का कोई मेल जोल है उसके कारण होगा जो उनके यहाँ दिखाई नहीं देता है। मैं तो ये सुनकर ताज्जुब करता था, फिर मैंने जब देख लिया आंखों से कि यूरोप की कोई भी महिला और अमेरिका की किसी महिला को दूध से दही बनाना नहीं आता, वो दही के नाम पर योगर्ट खाते हैं, योगर्ट दही नहीं होता, दही अलग चीज है, योगर्ट अलग चीज है। तो उनके पास और कुछ नहीं है योगर्ट के अलावा। उनको ये समझाओ कि दूध में थोड़ा दही मिला दो गर्म करके तो दही बन जाता है, ये उनकी कल्पना के बाहर की चीज है। और इससे एक कदम आगे बढ़े, यूरोप के किसी परिवार को दही से मट्ठा बनाना नहीं आता, मट्ठे से मक्खन निकालना, मक्खन को गर्म करके घी बनाना कोई नहीं जानता, इसलिए वो क्या करते हैं दूध में से चीजें घी निकालते हैं, जिसको वो बटर ऑयल कहते हैं, वो घी नहीं होता बटर ऑयल होता है। दही नहीं होगा, मट्ठा नहीं होगा, सब्जियां नहीं होंगी, और हमारे काम आने वाले जो मसाले हैं, जो वास्तव में औषधियां हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि ये जो मसाले हैं इतनी जात जात के, इतनी तरह तरह के, काली मिर्च है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, ये है वो है, ये सब भी देशों में होंगे जहां सूर्य का प्रकाश होगा, जहां है ही नहीं सूर्य का प्रकाश वहां ये सब नहीं होंगे। तो अब वहां नहीं होंगे तो खाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं तो जीवन शैली में आएगा नहीं, और जीवन शैली में नहीं आएगा तो आने वाली पीढ़ियों में भी नहीं आएगा। आप जानते एक खास तरह की जीवन शैली को हम बिताते हैं, उसी जीवन शैली में से आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान और संस्कार मिलते चले जाते हैं। उनके यहां तो ये होगा नहीं तो खाएंगे पिएंगे नहीं, इन सब चीजों को उनकी जीवन शैली में ये आएगा नहीं, उनके रसोई में ये आएगा नहीं, तो उनकी रसोई और आपकी रसोई में जमीन आसमान का अंतर होगा। उनकी रसोई कैसी है, सप्ताह में एक दिन जाए कहीं से बड़ा पाव खरीद के लाए, चाकू से काट काट के उसको छोटे पीस करें और आलू और प्याज के साथ खाएं, इसके अलावा और क्या? और आलू और प्याज से सब्जी बनाना भी ना आए तो बाजार से बनी बनाई डिब्बावल सब्जी लेके आए और उसको पाव रोटी और डबल रोटी से खाएं, तो सब्जी तो कभी लाएंगे जब मिलेगी तो सप्ताह में कोई एक या दो दिन, रोज मिलेगी नहीं क्योंकि इतनी होती नहीं, दालें होती नहीं, यूरोप में कहीं दाल नहीं होती, अमेरिका में कहीं दाल नहीं होती, तो दाल खाना और दाल की डिश बनाना उनकी कल्पना के बिल्कुल बाहर है। जो भारत दाल बेचना उनको बंद कर दे तो पागल होके मर जाए। प्रोटीन के लिए उनके पास ले रहे कि एक ही स्रोत होगा, तो या तो अंडा होगा या तो कुछ मांस होगा। हमारी गलत थोड़ी है कि 10-15 तरह की दाल इस देश के हर गांव में होती है, हर जगह मिलती है। और यूरोप और अमेरिका की सबसे बड़ी जो
पेशे ही है और उनकी जो सबसे बड़ी कम